नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। युद्ध के मैदान में जीत हमेशा उसकी होती है जिसकी तैयारी पूरी हो। आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरा हुआ बहादुर योद्धा भी जंग के मैदान में कमजोर साबित हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल के सैनिकों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को नाम दिया गया है सूर्य किरण 13। आप इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत और नेपाल की एक और 11 वाली तैयारी भी कह सकते हैं। नेपाल के गोरखा सैनिकों का लंबे अरसे से भारत की सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत और नेपाल की सेनाएं जो रिश्ता साझा करती हैं, वो दुनिया की किन्हीं भी दो सेनाओं के बीच में नहीं है। भारत और नेपाल की सेनाएं नियमित अंतराल के बाद आपसी रिश्तों को एक बार फिर से आजमाती हैं और उन्हें ताजा करती हैं। इस समय यहाँ पिथौरागढ़ के जंगलों में भारत, नेपाल और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन के पास दोनों ही देशों की सेनाएं एक बार फिर से अपने रिश्तों को मजबूती दे रही हैं। ये किसी भी सैनिक की महारत का एक जबरदस्त नमूना है और उसकी कुशलता की बहुत जबरदस्त परीक्षा भी। सामने जो टारगेट हैं वो अलग अलग रंग के हैं, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके उनको बर्बाद करना है, उनको ख़त्म करना है। बीच में जो हरे टारगेट्स हैं वो सिविलियन हैं या दोस्त हैं जिनको नुकसान नहीं पहुँचना है। भारतीय सेना ऐसे अभियान अक्सर करती रहती है और दरअसल यही वो महारत है जो नेपाली सेना को सिखाना चाहती है। भारत में अभी ये बहस चल रही है कि महिलाओं को सेना में कॉम्बैट रोल में उतारा जाए या नहीं। कॉम्बैट रोल यानी सेना के वो हिस्से जो दुश्मन से सीधे भिड़ते हैं, यानी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड। लेकिन नेपाल की सेना में महिलाएं कॉम्बैट रोल में पहले से ही हैं और यहाँ भारत और नेपाल के बीच में जो साझा युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें भी ये महिलाएं जो कॉम्बैट रोल में हैं वो आई हैं। ये सारी की सारी महिलाएं जो नेपाल की हैं वो श्री गोरखबख्श बटालियन की हैं, जो एक इन्फेंट्री बटालियन है। लेकिन भारतीय सैनिक अफसर जो हैं वो आर्मी मेडिकल कोर की हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसी कॉम्बैट रोल में हैं जिस रोल में नेपाल की महिला अधिकारी हैं। और अभी फिलहाल ये जंगल में आतंकवादी या दुश्मनों से मुकाबला कैसे किया जाता है इसके हुनर को आजमा भी रही हैं, परख भी रही हैं और उसको निखार भी रही हैं। भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर की कैप्टन सोनाली बहल हैं जो साथ में यहाँ जंगल लेन शूटिंग कर रही हैं नेपाली सैनिक अधिकारियों की। कैप्टन बहल, आप डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पे आप एकदम कॉम्बैट रोल में हैं,
आप जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जंगल लेन फायरिंग की, आप घने जंगल में जा रहे हैं और उसमें आपको टारगेट को इंगेज करना है, दुश्मन को ख़त्म करना है, उस रोल के बाद इस रोल में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि हमें बहुत साल डॉक्टर होने का ट्रेनिंग दिया गया और वो हम अभी भी ले रहे हैं। उसी तरह आर्मी में हमको हर टाइम एक सोल्जर होने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है और ये उसी ट्रेनिंग का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे कॉम्बैट रोल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडिकल रोल जो हमारा है हम उसको निभा रहे हैं, पर उसके अलावा हर प्रकार का ड्रिल कर रहे हैं। हम बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स कर रहे हैं, हम जंगल इन शूटिंग कर रहे हैं, हम स्लिदरिंग कर रहे हैं, हम रॉक क्राफ्ट क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तो हर चीज़ में हमारी भागीदारी है, एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑल्सो, एज अ सोल्जर ऑल्सो। जब इस तरह की दो एक्सरसाइजेज होती हैं तो दोनों ही देशों को फ़ायदा क्या होता है? इस एक्सरसाइज सूर्य किरण 13 का मेन एम है कि जो दोनों देशों का वास्ट एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर में, इस दोनों एक्सपीरियंसेस का पूरा फ़ायदा उठा के एक दूसरे से सीख सकें। और साथ ही इस एक्सरसाइज के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ, जिसमें भी दोनों फौजों का काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख पाएँ और जानकारी हासिल करें और साथ ही मित्रता को भी बढ़ाएं। और इस बारी लेडी ऑफिसर्स और वुमेन सोल्जर्स, लेडी सोल्जर्स ने भी हिस्सा लिया है और लोअस्ट लेवल सेक्शन लेवल से इस ट्रेनिंग साथ में ही की गई है और दोनों देशों का जो कॉन्फिडेंस लेवल लोअस्ट लेवल पे है और मित्रता वो भी देखी गई है और दोनों लेडीज सोल्जर्स और ऑफिसर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान। लड़ाई शहरों में कमरों तक आ चुकी है। आपने देखा होगा चाहे मुंबई पर हमला हो, अक्षरधाम पर हमला हो, या हर रोज कश्मीर में होने वाले ऑपरेशंस जिनमें सेना को घरों के अंदर घुसना पड़ता है और वहां आतंकवादियों से मुकाबला करना होता है। घर के अंदर जो लोग हैं उनको कई बार बचा के और फिर आतंकवादियों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर हमला करना पड़ता है और ये महारत सेना हासिल करती है इस किस्म की रेंज में, शूटिंग रेंज में, इंडोर कॉम्बैट शूटिंग रेंज में। Come on, Dingo!